एक मोटिवेशन के साथ करते हैं। एक बात याद रखिए बच्चों, सबसे पहली चीज, यू नीड टू बी ऑड। आप में से बहुत से लोग थोड़ा सा ऑड फील करते हैं अपने आपको, दे आर इंट्रोवर्ट रादर, जिनको इंग्लिश में एक शब्द बयां किया गया है, इंट्रोवर्ट, दे आर नॉट एक्सट्रोवर्ट। अगर मैं इसे हिंदी में समझाना चाहूं, एक्सट्रोवर्ट जो किसी से भी घुल मिल जाता है बड़े आसानी से, यस, वो पानी की तरह होता है। वो किसकी तरह होता है? पानी की तरह होता है। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो दूध की तरह है, हर किसी से नहीं मिलता, कुछ जगह पे वो फट जाता है। समझ आ रही है? सर दो तरीके के लोग होते हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कैसे होने की जरूरत है। सर यू नीड टू बी एक्सट्रोवर्ट। जब आप इस कोर्स को कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स को कर रहे हैं, देखिए एडवोकेट हो गए, डॉक्टर हो गए, सीएस, सीएमएस हो गए, ये हमेशा ऐसे लोग होने चाहिए जो एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मार्केट इंट्रोवर्ट्स के लिए नहीं है। आपको लिटिल एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है इफ यू आर डीलिंग विद क्लाइंट। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट है वो इस फील्ड में काम ही नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट फिर वो एटलीस्ट क्लाइंट हैंडलिंग में नहीं होते, वो फिर बैक ऑफिस में होते हैं। जैसे अगर देखा जाए ना, मेरे फर्म की अगर मैं आपको बात बताऊं, द अदर डे मेरे पार्टनर आया था, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, वो यहां आने को भी डर रहा है, मतलब वो वहां आ गया, वो यहां आने को डर रहा है, मतलब ही वॉज नॉट एक्सट्रोवर्ट। और अगर आप मेरे को देखोगे तो मेरे को इतने लोगों से मिलने के आता था कि आई एम एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस होता है। फिर क्या होता है, क्लाइंट एंड पे जो बात करनी होती है, फिर जो जुगाड़ वाले काम होते हैं, सेटिंग वाले काम होते हैं, जो मतलब अपने लिए मेन काम बनता है, जो अपने फील्ड का मेन काम बनता है, वो हम फिर कर ही नहीं पाते, क्योंकि आप डरते हैं किसी से बात करने में, आप घुलने मिलने में डरते हैं, यस, फिर आप रिस्क लेने में भी उतना डरते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, फिर क्या होता है, हम काम लेके आएंगे, आप उस काम को हैंडल करोगे, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस कई बार ऐसा फील आता है, क्योंकि हमारे साथ हो चुका है, कई बार ऐसा फील आता है कि काम तो साला सब आप कर रहे हो, अंडरस्टैंड दिस हैपेंस, वी हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। फिर ऐसा लगता है काम तो पूरा पूरा आप कर रहे हो, सामने वाला तो सिर्फ घूम रहा है, एक्चुअली वो घूम नहीं रहा है, वो भी अपना स्किल ही कर रहा है, क्लाइंट के साथ बात करना, उसको मेंटेन करके रखना, उसको कमिटमेंट्स देना, कमिटमेंट्स के बाद उसको हैंडल करना, इट्स नॉट इजी टास्क, काम वो भी है, बट फिर एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा, क्या बोलोगे यार मैं डेडलाइंस पे, क्योंकि क्या होगा, देखो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट मेरे को फोन करेगा, साहब अभी तक की फाइल नहीं हुई, क्या हो रहा है, मैं किसको बोलूंगा, इवन दो आई एम अ पार्टनर बट आई विल एक्ट एज अ बॉस, नो भाई उसका क्या हुआ, भाई तू कर रहा है यार, क्यों नहीं कर रहा है तू अभी तक के, वो बोलेगा मैं खाली थोड़ी बैठा हूं, दिस हैपेंस। सो यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। एंड दूसरी बात, मैं हमेशा चाहूंगा कि आप सब एक्सट्रोवर्ट रहे, क्योंकि आज का जमाना ऐसा हो चुका है कि खामोश रहने से कुछ नहीं होता दोस्तों। क्या बोला मैंने? खामोश रहने से कुछ नहीं होता। इस जमाने में जीना है तो बवाल मचाना होगा, इस जमाने में जीना है तो बवाल मचाना होगा, सीधी सी बात है, ये खाली बैठने से कुछ नहीं होता, यू डेफिनेटली नीड्स टू बी ऑड। व्हाई यू नो, अगर आप देखेंगे, एक एक्टर जो बहुत तेजी से उभर के बाहर आए वो है रणवीर सिंह। क्या लगता है आपको, क्यों वो इतने, मतलब एज कंपेयर टू जितने लोग उनके साथ आए, वो अचानक से इतने ऊपर कैसे आ गए? पहले तो कपड़े पहनो या ना पहनो, दोनों बात समझिए, बात समझिए। दूसरी बात, उनका एक्सट्रोवर्टनेस टुवर्ड्स एनीथिंग दे डू, आप ये बात को अग्री करेंगे, मेरी बात समझिए, आप इस बात को अग्री करेंगे, तो ये एक एक्टिविटी आपके अंदर होना चाहिए। यू डेफिनेटली नीड टू बी ऑड, बिकॉज नंबर वन इज ऑड नंबर, नंबर वन इज अ ऑड नंबर। तो मत डरिए, मैं तो कहता हूं सर, देखिए आप लोग जितने क्लास में बैठे, अपने जगह पे बैठे हैं, राइट, प्लीज डोंट सिट एट वन प्लेस, ये मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूं, डोंट सिट एट वन प्लेस। सी, ऐसा कहा जाता है कि यू आर एन एवरेज ऑफ फाइव पीपल अराउंड यू, यू आर एन एवरेज ऑफ फाइव पीपल अराउंड यू। अब आपको समझना क्या है, आप हर रोज आते हो, बैठते एक ही जगह, वही दोस्त, वही घिसी पिटी बातें, समझ आ रहे हो, वही टॉपिक, वही एक लड़की जिसपे सब फिदा है। बात समझिए, पॉइंट ये है कि आप जब अलग अलग बैठोगे, अलग अलग जगह बैठोगे, तो आपको अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझने का मौका मिलेगा। हो सकता है किसी के पास कोई शॉर्टकट ट्रिक हो, कैलकुलेटर की, जो आपको बड़े आसानी से जम जाए, हो सकता है आपको कुछ नया एंगल मिले, उसका पढ़ने का तरीका आपके समझ में आ जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप अलग अलग लोगों के साथ रहो, अलग अलग ग्रुप में रहो, एक से ज्यादा लोगों से बात करो, इससे होगा क्या, जब आप अलग 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 ग्रुप में रहोगे तो आपको हर ग्रुप की जानकारी रहेगी, एट द सेम टाइम आपका कनेक्ट उतने लोगों से बनेगा, जब कनेक्शन बहुत बड़े होंगे तो रेफरेंस बहुत बड़ा होगा। अब आज मुझे एक बात, आप मेरी एक बात समझिए, हम जब मैं था, मैंने सीए भी किया, मैंने यूपीएससी का भी ट्राई किया, राइट, हमारे दोस्त उस तरीके के बन गए, आप समझ रहे हैं क्या, कुछ जो डॉक्टर्स आईएएस करने के लिए आए थे वो कुछ दोस्त डॉक्टर्स बन गए, कुछ यू नो क्रेडिट रेटिंग वाले जो थे वो दादी मैंने आपको बताया, क्रेडिट रेटिंग वाले हमारे बन गए। अब इसमें कैसे डील घूमती है ये देखना, कुछ कंपनी सेक्रेटरी जो सीए भी कर रहे थे, सीएस भी कर रहे थे, पर सीएस का प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लिया, अब ये सारे हमारे दोस्त बन गए। अब देखिए जब एक क्लाइंट आता है, इसको कैसे सब मिल करके कैसे सब मिल करके ग्रुप में रखते हैं, कैसे ग्रुप में रखते हैं, भैया एक कंपनी आई, बराबर है, उसको ऑडिटर की जरूरत पड़ गई, हमारा रेफरेंस आ जाता है, उसको कुछ काला सफेद करने की जरूरत पड़ गई, हमारा रेफरेंस आ जाता है। एक दोस्त था जो पॉलिटिक्स में चले गया, अब उसको 80 जीबी का डिडक्शन चाहिए, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, उसको 80 जीबी का डिडक्शन चाहिए, भाई करवा रहा हूं, फिर उसको क्या करना है, कंप्लायंस करने आरओसी के, क्लाइंट भेज रहा हूं 5% मेरा अलग रख, सीधी बात है ना भाई, दोस्ती है वो तो ठीक है, बट 5 पैसे की भी तो है, गोवा का खर्चा मैं थोड़ी करेगा अकेले, जो गोवा गया है ना, गोवा का खर्चा अकेले मैं थोड़ी करेगा, सबका साथ सबका विकास, बराबर, फिर क्रेडिट रेटिंग की जरूरत पड़ती है 5 करोड़ के ऊपर, भाई केस भेज रहा हूं 5% अलग कर, समझ आ रहा है, बिल में ऐड करना, तेरे को क्या जा रहा है, क्लाइंट मेरे भरोसे का है, मैं उसको बोल दूंगा एकदम भरोसा वाला मैटर, टेंशन नहीं, समझ मारी बात। सो दैट्स हाउ एक ही व्यक्ति 5 अलग जगह घूम रहा है और एक ही आदमी से 5 अलग जगह से पैसे निकाल रहा है, दैट्स हाउ थिंग्स टू बी डन, समझ मारी बात। फिर क्या होता है, जो एक डॉक्टर है उसको बेटर सर्विस दो, अब है अपना दोस्ती, बराबर है, उसको मार्केट से बहुत कम लगा दो, दोस्त है पर चार्ज तो उससे भी करेंगे ना भाई, बराबर है, अब वो जिस हॉस्पिटल में उसके जितने डॉक्टर है वो ला के देगा, 5% तू रख, सिंपल है ना यार, उसमें क्या है, वो अपने को अगर क्लाइंट रेफर कर रहा है उसको 5% देने में तकलीफ क्या है, कोई आपको 95 एडिशनल देके जा रहा, समझ में आ रहा है ये बात,
एडिशनल इनकम, कोई आपको 95 एक्स्ट्रा देके जा रहा है उसको 10% देने में हिचकिचाना नहीं, सोच छोटी नहीं रखने का कि सिर्फ मैं ही खाऊं, सब मिल बैठ के खाएंगे, इससे आपके टिफिन में अगर सब्जी अच्छी नहीं है तो दूसरे से खा सकते, सोच अच्छी रखो, सब मिल बैठ के करो, सोच तो अच्छी रखो। सो आपको ऑड होना बहुत जरूरी है। और हाँ, प्लीज थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होइए। मैं यहाँ पे कई लोगों को देखता हूँ, हर बैच में कई लोगों को देखता हूँ, एकदम ऐसे डरे से सहमे से चुपचाप बैठे रहते, यस एकदम शांत स्वभाव के, बवाल मचाना होगा, शांति से कुछ नहीं होता, कुछ शांति भी शांत नहीं बैठती, समझ आ रही बात। सो आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है, अलग अलग ग्रुप्स में जाने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। हाँ, अभी आपको थोड़ा सा ना वो डर जो लड़कों के साथ स्पेसिफिक होता है, मैंने लड़की से बात किया खुद होकर के, तो लड़की क्या इंप्रेशन में आएगी, कुछ इंप्रेशन में नहीं आती हो, एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई इंप्रेशन में नहीं आती हो, बराबर है। आपने उसको एक्सेसिव इरिटेट किया तो वो इंप्रेशन में आती, बराबर। अचानक से आप पहले दिन मिले, नंबर एक्सचेंज हुआ, दूसरे दिन से हाय गुड मॉर्निंग, छह बरकतें करोगे ना, इससे कुछ नहीं होता, समझ में आ रही बात, छह बरकतों से कुछ नहीं होता, छह बरकत नहीं करने का, मान लो है भी तो इग्नोर करने का कुछ पहले दिन, फिर ऑटोमेटिक सब सही हो जाता, समझ में। लव ज्ञान खत्म हुआ, आते कंटेंट पे, चलिए बेटा।